हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे पास तीन मोटर हैं। ये वीडियो इन तीन मोटर से रिलेटेड है। हमें बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किया था कि सर हमें कौन सी मोटर यूज़ करनी चाहिए हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए, और हमें कौन से सिस्टम के लिए, मतलब आप ऐसी मोटर बताइए जो अगर हम स्टार्टिंग फेज में अगर हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं तो हमारे जो सिस्टम है, हम जैसे कि हम 50 प्लांट ग्रो कर रहे हैं या 30 प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो हमें कौन सी मोटर यूज़ करनी चाहिए, उसी के अंदर लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी। तो इसी पे रिलेटेड आज का वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास तीन मोटर है। ये सबसे पहले वाली जो मोटर है, ये देखिए, ये हमारी जो मोटर है, ये 19 अप्रॉक्स जो इसका वाट है वो 19 वाट है। ये आपको अगर कहीं और जगह यूज़ देखेंगे तो ये अराउंड आपकी 18 वाट की आएगी। और ये जो आपका है, ये अराउंड आपके 4 से 5 फीट तक की हाइट तक आपके सिस्टम के अंदर वाटर का फ्लो कर सकती है। तो अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, दो पाइप यूज़ कर रहे हैं, तीन यूज़ कर रहे हैं, हम आपको एग्जांपल भी बताएंगे कि हम कौन कौन सी मोटर किस किस सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस सिस्टम की हाइट क्या है, किस तरीके से हम वाटर को एडजस्ट करते हैं या मेंटेन करते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मोटर है जो 18 वाट की होती है, जो 18 वाट आप कैपेसिटी पर चल जाती है ये। और इसकी आप हाइट देख सकते हैं, अप्रॉक्स 1.85 मीटर है, मतलब 1.85 की हाइट तक मीटर के अंदर आपके ये वाटर को फ्लो कर सकती है। ये दूसरी मोटर है, ये देखिए, इसका ये बॉक्स है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए, हम आपको इसका बॉक्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये अराउंड 40 वाट जो है इलेक्ट्रिसिटी की पावर पे चलती है। और ये अराउंड आपका जो इसकी जो हाइट है वो 8 फीट की हाइट तक आपके इसको वाटर को ये फ्लो कर सकती है। ये दूसरी मोटर है। और ये जो तीसरी मोटर है, इसे हम ट्यूलिप पंप बोलते हैं, और ये 0.25 एचपी की मोटर आती है। ये जो हमने पिछला एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने 4000 स्ट्रॉबेरी के प्लांट जो ग्रो किए थे, उस सिस्टम के अंदर हमने ये वाली मोटर यूज़ की थी। हमने अराउंड एक जो सिस्टम था हमारा, वो 30 फीट की लेंथ था, और उसके अंदर अराउंड हमने 60 पाइप यूज़ किए थे। तो हमने उसी के उस सिस्टम के अंदर हमने इस मोटर का यूज़ किया था, और अच्छे तरीके से इसमें वाटर का भी फ्लो हो गया था। आपको आधा एचपी या 1 एचपी की मोटर का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाली जो मोटर है, ये 0.25 एचपी की मोटर है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे हाइड्रोपोनिक में प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हैं, अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं जिसके अंदर अराउंड आप 2000-3000 अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो आप इस मोटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको एक लाइव एग्जांपल बताते हैं जिसके अंदर हम ये तीनों मोटर का यूज़ कर रहे हैं। इस वाली मोटर का तो हमारा जो वीडियो था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप 1000 स्क्वायर फीट के अंदर स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, इन दोनों मोटर का हम आपको एग्जांपल बताते हैं। तो हम चलते हैं हमारे सिस्टम पे। ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर हम ग्रो कर रहे हैं रेड केबिस, और हम चाइनीज़ गोभी भी इसी में कर रहे हैं, साथ में हम पाक चोई भी इसी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारा इसके अंदर न्यूट्रिशन का टैंक है, ये देख सकते हैं, हम वही मोटर का यूज़ कर रहे हैं। ये 100 लीटर का वाटर टैंक है। और अब हम आपको सिस्टम बताते हैं। ये देखिए, इस सिस्टम की हाइट जो अप्रॉक्स है वो 6 फिट की है। ये देखिए, देख सकते हैं, हम तीन रो इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और हर रो के बीच में जो डिस्टेंस है इसके अंदर 1.5 फिट का है, तो 6 से 7 फिट की इसकी हाइट है। इस सिस्टम के अंदर आपको यूज़ क्या, इसका किस तरीके से इसको मैनेज करना है। ये हाइट तो जो मोटर हमने बताई वो 8 फीट तक दे सकती है फ्लो, लेकिन आपको क्या करना है, ये देखिए, हम आपको सिस्टम बताते हैं। हमने इस सिस्टम में जैसे फर्स्ट रो है, इसके अंदर हमने आउट दिया, तो उसके अंदर हमने एक वॉल लगाया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक वॉल लगा रखा है। इस सिस्टम में अगर इसके अंदर हमें वाटर फ्लो करना है इसके अंदर, तो हमने इसके ऊपर भी वॉल लगा रखा है, देख सकते हैं। तो हमने जो तीन रो हमने यूज़ किए, उसके अंदर जहाँ भी हमने इसका वाटर का इन हुआ है, वहाँ पे हमने इसके अंदर वॉल लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, जब हम हमारी मोटर चलाते हैं,
तो हम अगर जैसे हमें ऊपर वाली रो को पानी देना है तो हम जो दो नीचे वॉल लगा रखे हैं दोनों रो के नीचे, वहाँ हम उन वॉल को बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो हम मोटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या करती है कि ऊपर में अच्छे तरीके से फ्लो कर देती है वाटर को। अगर आप तीनों ही रो के अंदर अराउंड इसके अंदर 15 पाइप है, अगर आप तीनों को के अंदर सेम पानी देंगे तो वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका वाटर इन हो रहा है मोटर से, आपने मोटर रन की फिर अब इन पाइप में जाएगा, तो जहाँ भी आपका रन हो रहा है वहाँ पे एंटर करने से पहले ही आपको बॉल लगाना है। ये देख सकते ये हमारा सबसे ऊपर वाला है, फिर इसके नीचे हमने यहाँ एक बॉल लगा रखा है, फिर उसके नीचे एक बॉल लगा रखा है। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका वाटर रन होगा मतलब इन होगा वहाँ पे आपको बॉल लगाना, ताकि आपका जो ये मोटर है आपकी जो 40 वाट की मोटर है ये इजीली आपकी काम आ जाए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल पाइप है उसके अंदर भी आपको बॉल लगाना है। ये देख सकते हैं आप, इस बॉल की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। तो आप जहाँ भी ये इंडिविजुअल जो पाइप में भी हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको वॉल लगाना। तो इससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि वाटर का लेवल एडजस्ट सही तरीके से नहीं हो पाता, तो आपका कई जो पाइप है जो आपका DFT सिस्टम का जो पाइप है, किसी पाइप में तो आपके वाटर का लेवल ज़्यादा रह जाता है, किसी में कम रह जाता है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं वाटर के लेवल कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करना है। तो आपको जो इंडिविजुअल जो पाइप है उसके अंदर भी आपको वॉल लगाना है। तो आप इजीली, जैसे ये हमने इसको बंद कर रखा है, इसके अंदर हमने प्लांट नहीं लगा रखा, तो हम इसको इजीली बंद कर सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो मोटर है 40 वाट की, अगर आपको 6-8 फीट तक की हाइट तक का यूज़ करना है और उसमें आप अराउंड 20 पाइप लगाते हैं 10 फीट के, तो आप इजीली इसी मोटर का यूज़ करके उनको सही तरीके से फ्लो कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम सही तरीके से सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वाटर को फ्लो करने में। तो आपको क्या करना है, इस मोटर का यूज़ करके आपको सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, आपको जो वाल है वो हर इन पे लगाना है और इंडिविजुअल जो पाइप है उसके अंदर भी आपको वाल लगाना है, ताकि आप पाइप के जो वाटर का लेवल है उसको सही तरीके से एडजस्ट कर सके। अगर आप वाल नहीं लगाएंगे तो क्या होता है कि जैसे पानी एंटर हुआ तो सबसे पहले पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा आएगा, फिर दूसरे में कम आएगा, फिर तीसरे में और भी कम आएगा, चौथे में कम आएगा, लास्ट तक पहुँचते आपका जो लास्ट वाला पाइप है वो फिल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल पाइप में वाल लगाना है और जब पानी आपका एंटर करे तो उसमें भी आपको वाल लगाना है। तो आपने देख लिया कि 40 वाट की मोटर को किस तरीके से यूज़ करना है और कौन से सिस्टम में और कितनी हाइट तक के सिस्टम में आपको उस वाटर के जो मोटर है उसको यूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं जो हम 18 वाट की जो मोटर यूज़ कर रहे हैं उसको कितनी हाइट तक उसके पानी को हम फ्लो कर सकते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे सिस्टम पर। ये हमारा सिस्टम है जिसके अंदर हम कोरिएंडर और स्पेनिश ग्रो कर रहे हैं और ये अराउंड हमने 6-7 बार इसका हार्वेस्टिंग कर लिया। अब इसको हटा देंगे इन प्लांट्स को, लेकिन इस सिस्टम में हम आपको बता दें, देखिए ये सिस्टम अराउंड 2-2.5 फीट की हाइट है, देख सकते हैं चार पाइप हमने लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप। इसके अंदर हम ये जो हमारी छोटी वाली जो मोटर होती है उसका यूज़ कर रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये जो 18 वाट की मोटर है इसको हम यूज़ कर रहे हैं और इस सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। इजीली हमें इसके अंदर भी प्रॉपर इसका वाटर का फ्लो कर रहे हैं हम इसको, और आप देख सकते हैं सही तरीके से ग्रो हो रहे थे। और अब ये चूँकि ये 5-7 बार हार्वेस्ट हो चुके हैं तो अब हम इसको हटाने का टाइम आ गया है। इसके अंदर भी हम वही प्रोसेस अपना रखें। ये देखिए इंडिविजुअल पाइप के अंदर हमने वाल लगा रखा है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से मेनटेन कर सकते हैं। अगर कोई एक वाल ज़्यादा पाइप ज़्यादा फिल हो गया तो हम दोनों को बंद कर देंगे और एक को, जैसे कि देख सकते हैं हमने दो बंद कर रखे और इनको, और नीचे भी हमने ऐसे ही कर रखा है, हमने नीचे वालों को बंद कर रखा है और ऊपर एक पाइप को ओपन कर रखा है, ताकि इससे अगर किसी पाइप में सही तरीके से वाटर का फ्लो नहीं हो रहा तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप वाल नहीं लगाएंगे तो एक पाइप में सही जाएगा, दूसरे में कम जाएगा, तो इस तरीके से वाटर का लेवल को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको जो येलो वाली जो मोटर है, जो हमारी जो 0.25 HP की जो मोटर है, उसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो हमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर अराउंड हमने यही सिस्टम यूज़ किया था, लेकिन उसकी हाइट हमने अराउंड 10 फीट तक रखी थी, वो चार रो थी उसके अंदर और 30 फीट की लेंथ थी, अराउंड 65 हमने उसके अंदर यूज़ किए थे 30 फीट तक के। तो आप उस वीडियो में जाके उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी मोटर यूज़ करनी चाहिए, इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होगी वो भी कम होगी और आपके जो प्लांट है वो भी सही तरीके से ग्रो होंगे और आप इफ़िशेंटली कम छोटी मोटर को भी इजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको किसी पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस पॉइंट पे हमारे को वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।